क्या क्या वहां पर डॉक्टर लोग राय दे रहे हैं, क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो, हम यहाँ आंकड़े छिपाते नहीं हैं। कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी हैं, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। सरकार कहती है कि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर है, वो मरीज यहाँ पर उसकी सांसें अटक रही है लेकिन जगह नहीं है। इस तरह के हालात यहाँ पर है। कहाँ से लेके आए हैं? आज यूएसएस से लिया है, इनको भर्ती नहीं किया अभी। क्या कर रहे हैं? बोले बेड नहीं है। बेड नहीं है। जयपुर में आरयूएचएस के बाहर ऐसे मरीजों की भरमार है जिनकी सांसें थम रही हैं। चिलचिलाती धूप में आप भी देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है, जिनमें लेटे मरीज ऑक्सीजन और इलाज दोनों के लिए तड़प रहे हैं। ये कौन है पेशेंट जो अभी खत्म हुई है? वो बहन है। कहाँ से आए हो आप? 25 साल की मेरी बहन है। भगवान, कहाँ से आए हो? हम यहाँ से निवाई से ट्रॉक से गुंची से आए हैं, निवाई के पास। कितने हॉस्पिटल घूमे आप? हम 5वें छठे हॉस्पिटल में आए भाई साहब। ये यहाँ पे ऐसे में इसका हाल है। मिनी ट्रक में लेटी है 60 साल की चांद कवर है, जिनका बीपी बढ़ने पर पहले इन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब इनकी सांसें उखड़ी तो डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका जताई और बांगड़ अस्पताल में ले जाने को कह दिया। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो मिनी ट्रक में ही उनकी बहू अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंची। दावा है कि पहले यहां गार्ड ने काफी देर तक उनके साथ पूछताछ की और फिर उन्हें कोविड ओपीडी भेज दिया, जहां से उन्हें दोबारा ट्रॉमा वार्ड जाने को कहा गया। इस तरह कोरोना के मरीज को 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। छाती में दर्द था, ये जिंदे थे, हमें इसको डाल के 1 घंटे तक सदा हॉस्पिटल के बाहर और घूमते रहे, वहाँ कहीं उन्होंने एडमिट नहीं किया, ऑक्सीजन की हमारे को जरूरत नहीं थी तो भी इनको भर्ती नहीं किया। इस पार से उस पार भेज रहे हैं, अब इधर भेज रहे, इधर भेज रहे, यहाँ लाया फिर सामने भेजा, फिर इधर भेजा।